राजस्थान में आज जयपुर में दिव्यांगों का आयोजित योजना के तहत एक बड़ा कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम के निमित्त आप आने का अवसर रहा और उसके बाद में महावीर विकलांग सिंह जी कई कार्यक्रम वहां जो इनकी योजना चलती उस बारे में भी आप बताएं। आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। मैं उनके जन्मदिन के अवसर पर उनको हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो दीर्घायु सुखी समृद्ध और देश की सेवा करने में सक्षम बने रहे और देश को विकास के ऊंचाइयों पर ले जाने में सफलता प्राप्त करें। आप सबको सादर प्रणाम करते हुए मैं मेरी बात शुरू करता हूं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन का लेखा जोखा केंद्र सरकार की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की ओर से देश के कोने कोने में इसी प्रकार से आप लोगों के माध्यम से मिलकर के देने का प्रयास हुआ। 100 दिन की उपलब्धियां 70 साल की आजादी के बाद इतनी ऐतिहासिक है और इतनी अधिक है। इसके कारण देश और दुनिया में भारत सरकार की सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। देश और दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ा है। देश के कोने कोने में भी नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास बढ़ा है, विश्वसनीयता मजबूत हुई है और सारे देश में नरेंद्र मोदी जी समस्त देशवासियों के जननायक के रूप में जाने जाने लग रहे हैं। संसद का ही उदाहरण लूं मैं तो 1952 के बाद सर्वाधिक काम संसद के दोनों सदनों में हुआ है। लोकसभा में 125% काम हुआ, राज्यसभा में 100% से ज्यादा काम हुआ है। जबकि आपके ध्यान में होगा पिछले 2-3 सालों में राज्यसभा तो नहीं के बराबर चलती थी और उसी राज्यसभा ने अब 103% से अधिक काम करके दिखा दिया। अनुच्छेद 370 और 35A जैसा कठिन काम लोग सोचते थे ये तो कभी हो ही नहीं सकता और विरोध पक्ष के लोग तो सोचते थे कि इसके बारे में तो कभी कोई सोच ही नहीं सकता है, परंतु नरेंद्र मोदी जी और भारत के गृह मंत्री के दृढ़ निश्चय ने इन दोनों अनुच्छेदों को संसद से समाप्त करने का विधेयक और प्रस्ताव पारित करवा लिया। आश्चर्य तो तब हुआ विरोध पक्ष के लोगों को जब राज्यसभा में जहां एनडीए का बहुमत नहीं है प्रस्तुत ही उसको राज्यसभा में किया और ऐसी व्यूहरचना बनी कि 2/3 बहुमत से राज्यसभा में वो विधेयक और प्रस्ताव पारित हुए, लोकसभा में भी 2/3 बहुमत से वो विधेयक और प्रस्ताव पारित हुए और लोकसभा का आंकड़ा तो बड़ा रोचक आया। अनुच्छेद 370 और उसके पक्ष में 370 वोट और विरोध में केवल 70 वोट। अब ये 70 का आंकड़ा तो लोकसभा ने भी लोगों के समक्ष प्रस्तुत करके लोगों को अचंभित कर दिया। 3 तलाक जैसा कानून पास करने के लिए जब सरकार प्रयास कर रही थी
तो बहुत लोग तुष्टीकरण के कारण उसका विरोध करते थे, परंतु सरकार ने ये विधेयक भी पारित किया और मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक जैसी बुराइयों से बचाने का प्रयास किया। हर विभाग की ओर से कोई न कोई नया कानून बना है, नया प्रस्ताव पारित हुआ है। देश का वातावरण राष्ट्रमय हुआ है, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हुआ है, विकास की गति तेज हुई है, किसानों की आय 2022 तक दुगनी करने का प्रयास भी हुआ है। MST मिनिमम प्राइस बढ़ा करके और इसके साथ ही साथ किसानों की जो लागत मूल्य है फसलों की और वो कम करने के उपाय हुए हैं। ड्रिप सिस्टम योजना, स्प्रिंकलर सिस्टम योजना और देसी खाद का उपयोग करने वाली योजना, किसानों को 3,000 रुपये माह पेंशन देने की योजना, किसानों के खाते में 6,000 रुपये एक साल में 3 किस्तों में डालने की योजना, ऐसी एक अनेक योजनाएं हैं जो किसानों को उनकी आय दुगनी करने में सहायता प्रदान कर रही। अर्थव्यवस्था को सुधारने की दृष्टि से भी एक संकल्प लिया है कि $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाए जाने के लिए प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है और इस दिशा में काम आगे बढ़ा है। देश की सरकार ने तो ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है और वो उपलब्धियां हर राज्य में जाकर के लोगों के बीच में रखने का काम कर रहे हैं, परंतु जिन राज्यों में विरोध पक्ष की सरकारें हैं, जैसे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, विधानसभा के चुनाव में जो वचन पत्र जारी हुआ था और उसमें जो जो वादे किए थे, उसमें से मैं कह सकता हूं कि एक भी वादा पूर्ण रूपेण पूरा नहीं हुआ है। राजस्थान में आप ले लो, कर्ज माफी का वादा, बेरोजगारों को भत्ता देने का वादा और भिन्न भिन्न प्रकार के जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। वसुंधरा राजे सिंधिया जी की सरकार के टाइम और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार के टाइम और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी की सरकार के टाइम जो जो योजनाएं जनहित की मंजूर करके उनको कार्यान्वित करने का काम किया जा रहा था, वो योजनाएं प्रायः सभी ठप्प पड़ी है। भारत सरकार की योजनाओं पर भी काम नहीं के बराबर हो रहा है। आज दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर से और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित था जयपुर में। 6,000 लाभार्थियों को 4,15,00,000 से अधिक की धनराशि के उपकरण उपलब्ध कराए, उसमें मुख्यमंत्री जी भी अतिथि के रूप में आमंत्रित थे। मुख्यमंत्री जी ने भाषण में 2 बार ये कहा कि राजस्थान की सरकार सीमित साधनों के कारण बहुत सारे काम नहीं कर पा रही है। सीमित साधन की समस्या क्यों आई? पिछली सरकारों में तो कभी सीमित साधन की बात होती नहीं थी, तेज गति से हर क्षेत्र में विकास कार्य हो रहे थे। ये इनकी गलत नीति और गलत नियत के कारण परेशानी खड़ी हो रही है। और नहीं तो भारत सरकार ने तो सभी राज्यों को बिना किसी भेदभाव के भारत के खजाने का 42% पैसा राज्यों को दिया जा रहा है, दे रहे हैं बिना किसी भेदभाव के। पिछले टाइम जब योजना आयोग होता था तो राज्य सरकारें योजना बना करके जाती थी और वो उसमें किसी में 15% कटौती करते थे, किसी में 10%, किसी में 5%। अपने विचारों की सरकार होती थी तो ज्यादा पैसा दे देते थे, दूसरे विरोधी विचारों की सरकार होती थी तो ज्यादा कटौती करती थी। पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बिना किसी भेदभाव के सबको 42%
और 5% पंचायती राज और स्थानीय निकायों की व्यवस्था के लिए देते हैं। इस प्रकार से सबको एक समान पैसा दे रहे हैं, फिर ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हुई? राजस्थान में तो मैं समाचार पत्रों में पढ़ता रहता था, टीवी में देखता रहता था, कानून व्यवस्था प्रायः चौपट हो गई और ये तुष्टीकरण की नीति के कारण। जयपुर में ही 3-4 बार जयपुर बंद करने का आह्वान हो गया। जयपुर में बहुत सारी घटनाएं घटित हुई। घटना कारित करने वाले को, घटना में जो अपराधी हैं, उनको पकड़ने की बजाय उनको संरक्षण देने की कार्रवाई हो रही। राजस्थान में दलित वर्ग के लोगों के साथ भी अन्याय अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही है। सांप्रदायिक सद्भाव भी बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिर ये कांग्रेस की सरकार आई उसके बाद ही इस प्रकार की बातें क्यों हो रही? भारत सरकार क्या स्वच्छता अभियान या और योजनाएं हैं वो ठीक से कार्यान्वित करने की रुचि सरकार की क्यों नहीं है? बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, तो मैं कह सकता हूं, परंतु इससे ज्यादा कुछ कहने की बजाय मैं आप पर छोड़ता हूं। आप अगर मुझसे कुछ प्रश्न करना चाहेंगे तो मैं उत्तर देने की कोशिश करूंगा।